हेलो एवरीवन, आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे पहली बार एजुकेटर समिट होने जा रहा है जिसको ऑर्गेनाइज किया है दिनेश सर एंड टीम। एंड आई एम वेरी रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि मैं भी इसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में कहीं ना कहीं हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारे क्रिएटर्स आएंगे महाराष्ट्र के और ये एक नए लेवल पर सेट होने वाला है। मिलता आपको इवेंट, कैसा लग रहा है आपको? अरे यार, इवेंट है और अभी वहाँ पहुँचना है, बहुत सारी तैयारियाँ हैं। ओके, अभी बैनर वगैरह लगाना है, डेकोरेटर इंतजार कर रहा है और हम लोग सुबह से उठ के आशीष सर और मैं पूरे पीडीएफ फाइल्स, एक्सेल, गेस्ट लिस्ट सब प्रिंट कर रहे थे। अब देखते हैं फटाफट वहाँ पहुँच के, बहुत सारे लोगों का इंतजार है, सब आ रहे हैं तो सब अच्छा ही होगा प्रोग्राम। आशीष सर ने बहुत मेहनत की है पूरा जो प्रोग्राम मैनेज करने में, A to Z पूरी रात भर हम लोग 2 बजे तक काम कर रहे थे और सुबह उठ के काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इवेंट बहुत सक्सेसफुल होगा, पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा इवेंट हो रहा है। जस्ट वेन्यू पे टच हो चुके हैं, आपको वेन्यू का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारे आज का वेन्यू और जैसे ही आप आओगे तो बहुत सारे एजुकेटर्स आज यहाँ पर आने वाले हैं, उनको एकदम रॉयल फील आने वाला है। सो मिलते हैं एजुकेशनल समिट में, महाराष्ट्र एजुक्रिएटर समिट 2024। क्या लग रहा है सर आज के इवेंट के लिए? एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, मजा आने वाला है। यस, क्योंकि सारी सारी तैयारी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या ही बोलूं, अभी वर्ड्स नहीं निकलेंगे, थोड़े टाइम के बाद निकलेंगे। दिस इज टीनूस केमिस्ट्री, अंजलि पटेल, ये उनके ओमकार सर, अजय पटेल, ये तोशिब शेख, विनीत स्टॉक, ये तुषार सर, पार्थ भोमैया इज ऑन द हाउस, शुभम झा सर, और ये दिल्ली से खास करके इवेंट अटेंड करने के लिए आए हैं, ये अपने आज के होस्ट जयेश राजगौर। एजुकेशन को बनाया आसान, क्रिएटर्स जिन्होंने यूट्यूब के जरिए गरीब से गरीब बच्चों को दिया पढ़ाई का वरदान, आज ऐसे सभी एजुकेटर्स को हम लोग करेंगे सलाम। हमारा स्टेट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एक बंदे को लगा नहीं है कि इतने यूट्यूबर्स कोविड में पढ़ा रहे हैं, किसी एक को कोई अवार्ड नहीं मिला है, किसी एक को, किसी एक टीचर को हमारी सरकार ने कोई अवार्ड दिया नहीं। ये उनका काम था कि वो खुद ही आगे बढ़ के आए। इवन अभी एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जो मोदी जी के यहाँ हुआ है, क्रिएटर समिट वाला, उसमें भी यहाँ से कोई नहीं है। मतलब ये कितनी, मतलब एक ही बात है जो चल रहा है, जिनको जिनकी पहुंच है वो अपने क्या कहते हैं ना, वशीला लावून पोहोचून गेले, मला असं वाटतं। नाही, बाकी लोक आहेत मेहनत करणारे, पण काहीतरी आपल्या लोकांसाठी काही विचार करायला पाहिजे होता। पूर्ण महाराष्ट्राचे सर्व शिक्षक काम करत होते, जेव्हा मुलांना गरज होती तेव्हा मनापासून सर्व मेहनत करणारे सर्व इथे उभे आम्ही, पण असं नंतर कोणालाच वाटलं नाही की ह्या लोकांनी कोविड काळामध्ये मुलांची खूप मदत केलेली आहे, आणि त्यांना गरज लागते तेव्हा बरोबर बोलवतात। इस एजुकेट क्रिएटर समिट का जो पर्पस था कि सारे क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और इसमें जो सेलिब्रेशन है ये सिर्फ एक इंसान का नहीं, ये हर एक क्रिएटर का है। इस प्रोग्राम को अपना तन मन धन सब कुछ दिया, ऐसे हमारे बैक स्टेज पर बहुत जबरदस्त मेहनत करने वाले और कॉमर्स के अंदर एक बहुत अद्भुत नाम जिनका लाइव सेशंस के लिए है, क्योंकि घंटों घंटों तक महारिविजन को जिन्होंने पॉपुलर किया, ऐसे हमारे आशीष सर के लिए जोरदार तालियां। अगला सवाल जो है ये हमारे आशीष सर से मैं पूछना चाहूँगा। एक किस्सा है छोटा सा, जहाँ पर मैं जब वीडियोज की शुरुआत कर रहा था अपने करियर में, तो यूट्यूब जर्नी के अंदर जैसा अभी यहाँ पर भी किसी ने पैनल में ही कहा कि फ़ैन बंद करके बैठ जाते थे, वीडियो बनाते थे, पसीना पसीना हो जाते थे, तो एक बार आशीष सर ने फ़ोन किया मुझे, बोले पागल हो गया तू, बोले क्या गर्मी में वीडियोस बना रहा है। इन्होंने बोला एक OBS में बटन है, वो बटन दबा, फिल्टर है, वो फिल्टर ऑन कर और फिर वीडियो बना, ये सब चोचले है, कोई स्ट्रगल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बोले नॉर्मल फैन चालू करके भी पढ़ा सकता है। हमारे सबके बीच में आशीष सर इकलौते ऐसे हैं जिनको टेक्निकल नो हाउ बहुत ज़बरदस्त है,
मतलब वो कैनवा पे एडिटिंग करना हो, ये पीछे जो आपको सब दिख रहा है एक एक करके प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, फिर बाहर आपने जो होर्डिंग्स और बैनर्स देखे, कैनवा का यूज करना हो, काइन मास्टर का यूज करना हो एडिटिंग पे, रील्स वगैरह वी एन पे बनाना हो, टेक्निकल नो हाउ में हम सब में आशीष सर बहुत आगे हैं। और इसीलिए इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है सर कि ये जो लाइव सेशन देख रहे हैं, कई क्रिएटर्स होंगे जो आज शायद यहाँ पर किसी वजह से नहीं आ पाए होंगे, ऐसे भी होंगे जो आज हमसे जुड़े नहीं अब तक, या शायद हम उन तक नहीं पहुंच पाए होंगे, उन सब के लिए आपका संदेश क्या है, किस तरह से YouTube पर हम आगे बढ़ सकते हैं एज अ क्रिएटर, एज अ एजुकेटर, आप क्या उन्हें गाइड करना चाहेंगे, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो होने ही चाहिए हमेशा, और कैसे आसानी से वो कर सकते हैं ये काम? थैंक यू सर। जय सर, मैं सिर्फ तीन चीजें बोलना चाहूंगा। किसी भी एजुकेटर को सबसे पहले तो बेशरम बनना पड़ेगा, बेझिझक किसी भी एजुकेटर से आप बात कीजिए, उनसे सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं, कोई क्रिएटर बड़ा छोटा नहीं होता, हर एजुकेटर दूसरे एजुकेटर को मदद करने के लिए रेडी है। लेकिन छोटा क्रिएटर क्या सोचता है, अरे वो सर को फ़ोन करूँगा, नंबर तो है, बाजू वाली गली में रहता है, लेकिन वो मेरे को भगा दिया तो? ऐसा कोई नहीं करता। एक एजुकेटर या क्रिएटर से पहले हम टीचर है, और टीचर कभी किसी का अपमान नहीं करता। दूसरा, अगर आपको सीखने की चाहत है तो YouTube पर आपको बहुत सारे एजुकेटर्स आपको अवेलेबल करा देंगे, कंटेंट अवेलेबल करा देंगे, क्रिएटर्स है आपके लिए, वीडियो जी जान लगा के पढ़ाते हैं। और तीसरा, किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। हमारे तोशिब सर मुझे बार बार कहते हैं, सर आप रिस्क नहीं लेते। सर को नहीं पता, मुझे रिस्क लेने से पहले मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे आधारशिला रखनी पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करता हूँ। और अगर कोई भी एजुकेटर अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, अल्टीमेटली रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी वो ग्रो होने वाला है। और कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली सक्सेस मंत्रा फॉर यूट्यूब। यूट्यूब में अगर आपका कंसिस्टेंसी है, क्वालिटी है, बच्चे आपको प्यार करेंगे। और यकीन नहीं होता तो इकोनॉमिक्स के लाइव सेशन के बाद जब मैं इमोशनल हो गया था लाइव सेशन में, बच्चों ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि शायद सबके 5000 सब्सक्राइबर कम हुए हैं, कि मेरे सिर्फ 500 ही हुए सर। थैंक यू सर। टूल्स में सर मेरा ऐसा है कि मुझे दिनेश सर बोल रहे थे आपका जो थंबनेल है रिसेंटली बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने बोला सर मैं पावर पॉइंट पर बनाता हूँ थंबनेल। बोले क्या? बोला हाँ पावर पॉइंट पर बनाता हूँ। तो ये इमाद सर बोलते हैं कैनवा अच्छा है, उस दिन मेरे क्लास पे आए तभी। बोला नहीं सर, मेरा पहले जिस पे हाथ बैठा है पहले उस पे एक्सपेरिमेंट वाला काम वेकेशन में बैठ के करेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे, जितने भी स्लाइड्स है फिलहाल तो पावर पॉइंट में ही है, लेकिन अभी जितने भी कैनवा पे थोड़ा थोड़ा हाथ बैठना शुरू हो गया है, 3 दिन यूज़ किया सर, 4th दिन दिनेश सर का फोटो यहाँ का यहाँ हो गया, मैंने कैनवा बंद कर दिया, बोला इधर ही करता हो, जो अपना अच्छा है वही करते अपन। सो बेसिकली आपको जो आता है आप अच्छे से करो, चाहे पावर पॉइंट से भी करो, चाहे कहीं से भी करो, लेकिन सीखो, फिर करो, सीखो, करो, ट्रायल एंड टेस्ट करना तो पड़ेगा। हमने बहुत सारे एजुकेटर्स को बुलाया, लेकिन सबके कुछ ना कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े रीजंस हो सकते हैं। सो हमको किसी से किसी कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया है सर आने का। क्या है, चैनल्स आएंगे जाएंगे, टीचर्स आएंगे जाएंगे, हम रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन हमारे वीडियोस हमेशा स्टूडेंट्स को मदद करेंगे। और आप सबने और हमने मिलकर ये जो पहल शुरू की है, ये पहल, ये जो ज्वलंत आग है, ये कभी नहीं बुझेगी। जीने दीजिए। ओके, जिए और जीने दो। अगर दोस्त एक मुकाम पर जाए और उसके साथ दोस्ती की जाए तो बहुत अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि दोस्त वो इंसान होता है जो सुख और दुख दोनों में साथ देता है, और अच्छा दोस्त वही है जो अपने दोस्तों को साथ में लेके जाए। सो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज वसीम खान सर टू फेलिसिटेट ऑन बिहाफ ऑफ आर दिनेश सर टीम टू बोथ ऑफ देयर फ्रेंड्स, दैट इज क्योंकि उनके भी चैनल्स है, मुनावर सर और नफीस सर को बुलाना चाहता हूँ। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे दिनेश सर टीम की तरफ से कि हम अपने ही एजुकेटर्स को, अपने ही टीममेट्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं। सर थैंक्स अ लॉट सर, वसीम सर, कि आपने लोगों को इंस्पायर किया है। जोरदार ताली आशीष सर के लिए। ये इवेंट आज दिनेश सर ने जो ऑर्गेनाइज किया है उसके पीछे दिन रात कड़ी मेहनत सभी टीम ने की है, बट उसमें एक सबसे अहम नाम आता है आशीष सर का, जो दो रात से सोए नहीं है, मैं आपको सच में बताता हूं, दो रात से। तो आशीष सर के लिए तालियां तो बनती है जरूर। आशीष सर इज सुपर कूल, सुपर
आप दी बेस्ट एनर्जेटिक सर, गुणवंत सर, सबसे बढ़िया, अमेजिंग सिराज सर, ऑसम सर, आशीष सर, पावर्स ऑफ एनर्जी और सबको जोड़ने में लगे रहते हैं। और आप इन्हें बता दो, आप 12 बजे रात को फ़ोन करो, क्या काम है, आशीष सर के पास सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है। एक्सीलेंट कोऑर्डिनेटर, वेरी एनर्जेटिक, वेरी वेरी पावरफुल मैन, एब्सोल्युटली अमेजिंग सर, ग्रेट पर्सन, वर्ड लाइक स्पीचलेस अबाउट यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी वजह से बहुत एंजॉय किया, अभी आप हंस जाते हो ना, हंस रहे हो ना, तो उसी में हंसी आ जाती है। थैंक यू थैंक यू सर, बेस्ट, अरे परफेक्शन, ऑसम पर्सन, फैंटास्टिक, फैबुलस, थैंक यू सर, इज एक्सीलेंट मैनेजर, और जिस तरह से सर ने मैनेज किया है ना, खाने से लेके पूरा सेरेमनी लाइक आउटस्टैंडिंग। दो दिन जाग कर भी नहीं, इतना फ्रेश कैसे लग रहा है सर, उसका भी रात बता दे, कल रात को आशीष सर की एक बात, नो कंट्रोवर्सी ओनली हार्ड वर्क, आशीष सर का सबसे बड़ा फैन, आशीष सर मतलब बेस्ट टीचर, बेस्ट एंकर, बेस्ट मैनेजमेंट और बेस्ट शायर, ऑसम, एनर्जी मेरी जान है, फैंटास्टिक, बेस्ट एंटरटेनमेंट पर्सन, डेडिकेटेड आशीष सर, बेस्ट मैन, आशीष सर, अरे अमेजिंग सेक्स। बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम।